क्या बात है, कोई काम है? तैयार किसके लिए हुई थी? किसी के लिए नहीं, ऐसे ही बस। पक्का ऐसे ही बस? चलो अच्छा है, बात क्लियर हो गई, वरना मैं शायद कुछ और समझ बैठता। तभी इतने गुस्से में आए हैं ना? नहीं, मैं गुस्से में तो नहीं आया, मैं तो सिर्फ बात करने आया था। मॉम डैड तो है नहीं, तो मुझे ही करना पड़नी थी ना। अगर किसी के लिए तैयार हुई होती तो मैं कहता उसको छोड़ दो। अगर आप तो कह रहे थे कि वो बुरा नहीं है, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं, तुम ऐसे शख्स से क्यों दिल लगाना चाहती हो जिसके पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है? आज है, कल चला जाएगा, फिर क्या करोगे? वो अभी तक सायरा को नहीं भूला, उसके दिल में मेरे लिए कुछ नहीं है। मेरी जगह किसी और ने ले ली। तुम उसकी जगह ले भी नहीं सकती है। छोड़ दो उसे बेटा, क्यों अपने आप को इस तरह दुख में डाल रही हो? पता है आपने कितने अरसे बाद मुझे बेटा कहा है? कितने कितने अरसे बाद आपने मुझसे आकर बात की? आपने तो मुझे छोड़ दिया भाई। एनीवेज, वो यहां से चला जाएगा तो मैं यहां से बातचीत बंद कर दूंगी। अगर वो ना गया तो? मतलब अगर वो हमारी लाइफ से जुड़ा रह गया तो? क्यों जुड़ा रहेगा, मायरा की वजह से? मायरा की वजह से, उसका कजन है वो। वो है मायरा का कजन तो क्या कर सकते हैं? लैला, अगर उसने तुम्हारी जगह किसी और को चुन लिया तो तुम सह पाओगी? मेरे पास चॉइस ही क्या है? मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे उसे भूलना होगा। चलो कुछ वो आजकल में चला जाएगा, तुम अभी से उससे दूर होना शुरू हो जाओ तो अच्छा है। अभी अभी कुछ दिन में हमें एक दूसरे की जरूरत पड़ने वाली है, हमें एक साथ रहना होगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो भाई? बस थोड़े दिन में सारे जवाब सामने आ जाएंगे। शुरू में थोड़ा दुख होगा लेकिन फिर सब नॉर्मल हो जाएगा। चलो मैं चलता हूँ, तुम सो जाओ जाके। दोनों क्या बातें कर रहे थे? मैं चले सो रही थी। ब्रदर सिस्टर कॉन्फिडेंशियल कॉन्वर्सेशन थी वो। मैं तो गैर हूं ना। वैसे शहीर, एक बात करनी थी तुमसे मैंने। तुम प्लीज नायला को ना आराम से ट्रीट किया करो, उस पर भरोसा किया करो। मतलब मेरे अब्बू मेरे पे भरोसा करते थे, मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई कुछ गलत काम करने की, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं करूँगी तो उनका भरोसा टूट जाएगा। इसलिए मैंने कभी वो कोई भी काम नहीं किया जो मैं चाहती थी। तुम चाहती क्या? बस छोटी छोटी चीज़ें, जैसे यू नो क्लास बंक कर ली, कॉलेज से मूवी देखने चले गए, कुछ भी नहीं किया कभी, छोटी छोटी चीज़ें।